सबसे ज़्यादा डर लग रहा है आप लोग को तो ईपीएस में। ईपीएस में क्या करें? देखिए ईपीएस में जो ना आपको हर साल तो नहीं पढ़ाता। देखिए टीचर का भी गलती है, टीचर भी आपको कहीं पे भी जाएगा ना तो टीचर भी ईपीएस नहीं पढ़ाते रहता है। उसमें बच्चा क्या क्या गलती है, टीचर भी नहीं पढ़ाते रहता। एक ही टीचर बोलता है कि पढ़ा देंगे सबको, शुरू शुरू में जाएगा ना आप एडमिशन लेने के लिए तो बोल देगा आपको पढ़ा देगा, लेकिन टीचर भी नहीं पढ़ाते रहता है। बच्चा सब अंत में क्या होता है, फंस जाता है। ठीक, लेकिन आपको टीचर नहीं पढ़ाने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है, समझे? वो बेवकूफ़ सब नहीं रहता टीचर जो मतलब नहीं पढ़ाता है। वो जानता है कि हम 15 दिन में पढ़ के इसका क्या कर सकते हैं, कवरअप कर सकते हैं। किस तरीके से वो हम बताएंगे आपको। देखिए कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं क्या आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। हाँ, या तो हम दिए होंगे इंपॉर्टेंट। ईपीएस का बात करें, देखिए हिंदी इंग्लिश अकाउंट BST जितना है सब कुछ छोड़ दीजिए, ईपीएस का भी बात लाइए। ठीक ना, देखिए इंपॉर्टेंट दिए होंगे, कुछ ना कुछ जरूर याद किए होंगे। 110% उम्मीद करते कुछ ना कुछ याद किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको 15 दिन बस जितना बता रहे हैं उतना करिए। ठीक, क्योंकि टीचर सब भी उसी तरह से पढ़ाता है। क्योंकि देखिए उसको पता है कि अकाउंट पे ध्यान देते हैं बच्चा को, अब BST पे दे रहे हैं, अपने आप का कवरअप हो जाएगा। क्या EPS का कवरअप हो जाएगा। EPS में नंबर लाने का बात है ना, नंबर से आपको मतलब है ना EPS में, तो वो नंबर आ जाता है किस तरीके से, तो वो हम अभी वीडियो बनाएंगे। देखिए बताएंगे अभी EPS में क्या करें। पहले आते क्या, 70 नंबर का पूछता है, पहले समझ लीजिए। क्या आपको भी पता होगा 70 में क्या 35 ऑब्जेक्टिव लिखना रहता है और 35 का सब्जेक्टिव। अभी हर एक चीज़ का बता देंगे आपको डिटेल में। वैसे ही पिछले साल वाला भी 2023 वाला इतना डर रहा था, इतना बोले तुम 15 दिन इतना कर लो फिर देखो। उसके बाद क्या भैया आप जो बताए हुए थे EPS में, मतलब कोई भी नहीं बताया हुआ था जिस तरीके से करना है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन किए और देखिए अभी नंबर आ रहा है कितना, 60-65 इसमें आ रहा है। पूरा में पूरा नहीं, आपको प्रैक्टिकल में कितना नंबर देगा ये तो आपके जैसा प्रैक्टिकल लिखे होंगे वो बेसिस करता है, लेकिन इसमें कितना 60-65 आ जाते हैं। 110% नहीं पढ़े फिर भी आ जाता है, समझे? सबसे ज़्यादा नंबर किसी को आते हैं तो EPS में आते रहता है। तो अकाउंट सब में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन EPS में जरूर आ जाते रहता है। ठीक, EPS वो सब्जेक्ट है, नंबर पूरा भरपूर मिलता है, इसलिए बच्चा सब यही सब्जेक्ट रखता है। 35 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या है, 35 में क्या बाबू, 70 पूछेगा जिसमें जवाब कितना का देना है, 35 का देना है। ठीक, 70 पूछेगा जिसमें 35 का जवाब देना है। अब देखिए हम इसका पहले का बराबर कर लेते हैं, फिर आपको हम 35 नंबर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या करेगा ऑब्जेक्टिव। अभी आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना मथा पिच भी नहीं करेगा कि मॉडल पेपर से पढ़िएगा। सबसे बड़ा गलती क्या करता है बच्चा साहब कि मॉडल पेपर से पढ़ता है। मॉडल पेपर से क्या होता है, मॉडल पेपर बनाया ये नहीं जाता है। मॉडल पेपर क्यों बनाया जाता है पता है आपको, कि आप ये देखिए कि आप कितना पानी में है, कितना का जवाब दे सकते हैं। इसलिए ना बच्चा सब रटते रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव है एक चैप्टर में, रटते रहता है। बस यहीं पे गलती करता है, रटते रहता है और एग्जाम आ जाता है। एग्जाम में क्या होता है, कम नंबर आ जाता है। मॉडल पेपर बनाया जाता है SBBD का या किसी भी पब्लिकेशन का है, तो उसका मकसद कुछ और रहता है कि आप कितना पानी में है वो हिसाब से देखिए, ना कि रटने लगिए। ठीक, आपको कहाँ से याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 70 में से 35 का जवाब देना है। ठीक है ना, देखिए आपको सबसे आसान और सबसे बढ़िया जहाँ पे क्वेश्चन आता है वहाँ छोड़ देता है बच्चा सब। जल्दी क्या करता है आपको, जैसे 1 महीना हुआ तो मॉडल पेपर से पढ़ना शुरू कर देता है, बुक खुद को वैल्यू नहीं देता है। 11 महीना वैल्यू देता है, 1 महीना वैल्यू नहीं देता है। देखिए आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लास्ट में आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दे रहेगा, या बहुत हुआ तो 5 ऑब्जेक्टिव, बहुत ही हुआ तो 10 ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट में। उसको सिर्फ याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ना कहीं भटकना है ना कहीं जाना है। बस यहीं पर आप लोग दिक्कत कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना करिए जितना ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उतना कवरअप करिए, बुक में जितना है। 1 सेकेंड के बुक में जितना है, ये बुक में जितना है किसी भी चैप्टर को उल्टा लेते हैं, पूरे बुक में किसी भी चैप्टर को उल्टा लेते हैं। बस उतना ही करना है जितना बुक में है, अगर ज़्यादा करिएगा तो भटक जाएगा इधर उधर में। अभी आपको नंबर के लिए पढ़ना, देखिए बहुत बात कितना 8 गो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, वो 10 गो 15 गो पूरा होता है ऑब्जेक्टिव, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत बड़ा चैप्टर है तो उतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आपको लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, देखिए कितना है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए लास्टों चैप्टर को ले लेते हैं, कितना है ऑब्जेक्टिव आपको 1 2 3, मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना याद करना है, समझिए। भटकिए ना, भटकने से आपको दिक्कत हो जाती रहता है, समझे? क्योंकि देखिए 50% आपको कहाँ से पूछ देते रहता है वो, अकाउंट BST पढ़े हैं। और EPS में सिर्फ कितना करना है ऑब्जेक्टिव है उतना। नंबर लाने के बारे में सोचिए आप, तो अभी नंबर लाने के बारे में सोचिए। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं भटकिएगा कि दूसरा चीज़ से मॉडल पेपर से पढ़ने लगते हैं, लड़का सब गेस पेपर से पढ़ने लगता है। बस यहीं पे तो दिक्कत हो जाता है। मॉडल पेपर गेस पेपर से बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उस समय, आप कहाँ से रहता है, सिर्फ और सिर्फ बुक से। हाँ, बुक पूरा कंप्लीट हो गया थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुक कंप्लीट हो जाएगा तो हम देख लेंगे उसमें क्या है, देखने में क्या आता है, लेकिन पहले बुक करें कंप्लीट। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, ये तो हो गया क्या आपको 35 में 70 में देखिए 35 नंबर आ जाएगा यहाँ से। अगर इस तरीके से चलिएगा तब तो बाद में हमको नहीं बोलेगा, बाद में बोलते हैं भैया आप जो बोले हुए तो वही आता है, उसी तरीके से करते हैं तभी नंबर आता है। क्योंकि अभी आप स्मार्ट स्टडी करिए, नंबर लाने के बारे में सोचिए। ठीक, अब 35 देखिए सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपको पता है कि 20 गो पूछता है जिसमें जवाब देना है 10 गो का, दो नंबरी में। दो नंबरी में आपको, दो नंबरी में हम सिर्फ जितना बताए हैं उतना करिए। देखिए जैसे कि आपको देखिए बहुत कम लिए हुए, जैसे पहला लिए है कितना, पहला हम ले लिए हैं आपको 2 एक वीडियो बनाए 106 चैप्टर तक बताए दो नंबरी में, दो नंबरी में। हाँ, जिसमें आपको देखिए इसमें परिभाषा भी याद करिए क्योंकि 7 गो 8 गो जन परिभाषा, कभी कभी 10 गो परिभाषा पूछ देते रहता है इस समय, समझना। तो आपको परिभाषा भी याद करने का जरूरत है, ठीक है ना बाबू, इसमें आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। ठीक, ईपीएस में और इधर हम बताए हैं कितना आपको 15 को 16 को बताएं 1 से लेकर 6 तक में, और 7 से लेकर 22 तक में केगो वीडियो दिए वन शॉट में। मतलब सिर्फ 2 को वीडियो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सिर्फ वहाँ से करिए। और देखिए आपको पूरा का पूरा कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपको, आपके पास पूरा क्वेश्चन का बात करें 23 इधर और 16, 23 16 6 3 9 2 1 3 39, मतलब समझिए 40 को क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ उतना कम से कम कवर अप कर लीजिए, उतना कवर अप कर लीजिए दो नंबरी में। सोचिए जिसमें जवाब और उसमें से भी आपको तो देखिए ना कुछ क्वेश्चन 40 में से समझिए 10 को क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आप देखिए क्या अकाउंट BST का दिए हुए हैं, अकाउंट प्लस BST में से दिया हुआ है। आप आराम से कोई बना लेते रहता है। आप मान लीजिए एग्जाम में दो नंबरी में 20 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 तो आपको अकाउंट और BST पर ही रहेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, तो आपको वहाँ से आ जाएगा। सिर्फ बनाना कितना पड़ता है, 5 को 6 को अदर आता है, 5 को 6 को कहाँ से आता है, आ जाता है, आपको बनाना पड़ेगा वो आपको EPS बुक्स वाला। उसके लिए तो हम 40 को दिए हैं क्या, उसके लिए तो हम कितना दे दिए, उसके लिए तो हम 40 को दे दिए हैं क्या, उतना कर लीजिए कम से कम। आप हो गया 5 नंबरी के लिए बाबू, अगर 5 नंबरी के लिए कल ही आपका वीडियो आ जाएगा, कल ही 5 नंबरी के लिए हम आपको दे देंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 नंबरी में आपको बहुत कम दे देंगे क्योंकि उसमें पूछता है कितना 6 गो रहता है, जिसे जवाब कितना देना है 3 गो का जवाब देना पड़े। तो हम क्या कर देंगे उसमें से आपको कि बहुत हुआ हम कितना 20 गो दे देंगे, बहुत हो गया 20, बहुत हो गया 20, बहुत हो गया उतना देंगे और उतना ही कवर अप कर लेना है आपको। ठीक, उस हिसाब से तैयारी करिए, आप 110% बहुत ही अच्छा नंबर नहीं, आपको 60+ जरूर आ जाएगा 70 में। ठीक, हाँ लेकिन इसका गारंटी नहीं लेते, आप तो प्रैक्टिकल किस हिसाब से लिखे हैं क्या लिखे हैं तो वो मायने करता है ना कि आपको 30 में कितना देगा वो प्रैक्टिकल वाला, तो वो उस हिसाब से आप मायने करता है। ठीक, कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, ठीक ना, कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।